आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी बड़ी खबर आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव का आयोजन। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। तो सीएम बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव का आयोजन जो है वो यहाँ पर हो रहा है, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सीएम बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, चौधरी देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन जो है वो होगा। तो भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव का आयोजन जो है वो होने जा रहा है और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोहाना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौधरी देवीलाल स्टेडियम में इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो हो रहा है, भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, चौधरी देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन जो है वो हो रहा है। सुनील जिंदल संवाददाता गोहाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, फिलहाल कार्यक्रम का जो आयोजन है कितने बजे होगा शुरू, मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए गोहाना में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बड़ी स्टेज जो है वो यहाँ लगाई गई है और इसके अलावा जो बड़ा जो कैप है डी पॉइंट है वो छोड़ा गया है, साथ में जो है पीछे बैठने के लिए जो है पीछे का इंतजाम है। सुनील कोशिश करिए, क्योंकि अभी नेटवर्क की वजह से आवाज जो है वो नहीं आ पा रही है ढंग से, लेकिन आप बताइए कि वहां पर फिलहाल क्या तैयारियां जो है वो रखी हैं, किस तरीके कितने बजे कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए बात तो 11:30 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है सबसे पहले वो जो है वाल्मीकि आश्रम में पहुंचेंगे जहाँ संगत का जो है सत्संग सुनेंगे और वहाँ एक भवन का जो है लोकार्पण करेंगे। उसके बाद जो है करीब 12 बजे के आसपास जो है गोहाना के देवीलाल स्टेडियम में उनका प्रोग्राम रखा गया है जहाँ पर वो यहाँ पहुंचेंगे, जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। और इसके देखिए मुख्यमंत्री के प्रोग्राम को देख रखते हुए आज गोहाना में पुलिस सुरक्षा के भी पूरा जो इंतजाम किए गए हैं, जो गोहाना के जो मेन जो आने जाने वाले रास्ते हैं उनको जो है बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो भारी वाहन है उनकी भी शहर में एंट्री पर बैन लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे इंतजाम जो है यहाँ किए गए हैं, 500 से 600 पुलिस कर्मचारियों की जो है ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। जो बीजेपी के नेता है या और जो जो जनसभा है गोहाना की वो जो है पहुंचना जो है यहाँ शुरू हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील, और वहां पर क्योंकि तैयारियां जो है वो हो रही हैं कि अभी कब तक यहाँ पर जो तमाम अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बेहद भव्य इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किया जा रहा है। तो फिलहाल वहां पर जानिए कि कब तक ये कार्यक्रम जो है शुरू होगा, कब तक मुख्य अतिथि वहां पर पहुंचेंगे, अभी कौन कौन वहां पर पहुंचा है? देखिए अभी जो है अभी यहाँ स्टेज पर जो है फाइनल टच है वो किया जा रहा है, बीजेपी के जो लोकल लीडर है वो यहाँ कार्यकर्ता है वो यहाँ जरूर पहुंचना शुरू हो गए हैं, कार्यकर्ता यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो 11:30 बजे का समय रखा गया है, तो अभी इसमें समय बाकी है, तो जैसे जैसे समय नजदीक आएगा तो पब्लिक जो जनसभा है जो जनता है यहाँ की जो है वो यहाँ और पहुंचेगी। तो देखिए अभी समय लगेगा, अभी समय बाकी है, तो तैयारियां पूरी कर दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा जो प्रदेश के और भी कई जो नेता है बड़े लीडर है वो भी यहाँ पहुंचेंगे। तो पूरी तैयारियां मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कर दी गई है और यहाँ पे जो है वीआईपी लोग हैं उनकी एंट्री आ रखी है, वो इधर से जो है ये उनको वहां आने दिया जाएगा। इसके अलावा जो कुछ खास करते ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।